पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हुई को उम्र कैद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दो अन्य आरोपियों को भी हुई उम्र कैद। चित्रकूट से बड़ी खबर, तीनों दोषियों पर लगा 2-2 लाख का जुर्माना। बलात्कार मामले में मिली सजा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई ये सजा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हुई उम्र कैद। चित्रकूट से बड़ी खबर, दो अन्य आरोपियों को भी हुई उम्र कैद। तीनों दोषियों पर लगा 2-2 लाख का जुर्माना। बलात्कार मामले में मिली बड़ी सजा, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हुई उम्र कैद। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, बड़ा फैसला सामने आया है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है मंत्री गायत्री प्रजापति को, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर और कहीं ना कहीं लगभग सभी को इसका इंतजार था कि क्या सजा होती है, क्योंकि 10 तारीख को आरोप जो थे वो तय हो गए थे गायत्री प्रजापति पर, और जो कोर्ट ने जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले आज एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुनाई गई, क्योंकि सुबेरे भी लगभग हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया गया था कि जो पॉक्सो एक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड तक का प्रावधान है, तो आजीवन कारावास की जो सजा है वो गायत्री प्रजापति को दी गई है। फिलहाल 18 मार्च 2017 से गायत्री प्रजापति जो है वो जेल में है, लेकिन अब जो उनको सजा मिली है आजीवन कारावास की, मतलब वो सारी जिंदगी जेल में ही अपनी बिताने वाले हैं, और इसके अलावा उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया है। जी नितिन, जो ये 2 लाख का जुर्माना है वो कहाँ पे देना होगा, किसे देना होगा? जुर्माना जो होता है वो जाहिर सी बात है कोर्ट में ही जमा होता है, तो ये 2 लाख का जो जुर्माना है वो कोर्ट में जमा किया जाएगा गायत्री प्रजापति की तरफ से। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक लंबा समय बीता है, क्योंकि 2013 का ये पूरा मामला है, 2013 से लेकर 14, 15, 16 और 17 में जाकर के इस पूरे मामले पर जो FIR थी, मामला था, वो दर्ज किया गया था। उसके बाद गायत्री प्रजापति के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया था, क्योंकि चित्रकूट में 2013 की घटना है जब गंगा आरती के दौरान एक महिला से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो महिला गायत्री प्रजापति के लखनऊ आवास पर उसका आना जाना शुरू हो गया था, और उसके बाद उसने आरोप लगाया कि करीब 2 साल तक गैंग रेप उसके साथ प्रजापति और उसके कुछ लोगों ने किया था, और उसके बाद ये मामला गंभीर तब हो गया जब उस महिला की बेटी के साथ भी गायत्री प्रजापति ने छेड़खानी या फिर रेप जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। उसके बाद उस महिला ने गायत्री प्रजापति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था, और इस पूरे मामले की जांच के बाद अब कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति आजीवन कारावास के घेरे में आ गए हैं, और अब वो अपनी जो बाकी का जो समय है वो भी अब जेल में ही बिताने वाले हैं। नितिन, काफी लंबे समय बाद ये इतना बड़ा फैसला आया है और न्याय मिला है पीड़िता को, इस न्याय के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है पीड़िता की? न्याय के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके पहले हालांकि जो पीड़िता थी या फिर जो भी जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया था उनका बयान भी बदला गया था, जिस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी। दूसरी चीज, जिस तरह से अब ये आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर अपनी पीठ थपथपाती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी, कि जो लोग आरोपी थे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे इस तरह के गंभीर धाराओं में, उनको सजा सुनाई गई है, और ठीक चुनाव से कुछ दिनों पहले। तो ये अपने में एक बड़ा मामला था और जिसको लेकर के एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि आखिर गायत्री प्रजापति को जेल होगी या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको रिहा किया जाएगा, बरी किए जाएंगे वो, इन सब का जो इंतजार था वो इंतजार चल रहा था। फिलहाल अब जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं सपा के लिए भी थोड़ी बहुत समस्या पैदा करेगा, क्योंकि गायत्री प्रजापति अमेठी से जीतकर विधायक हुए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री बने थे, खनन मंत्री। उस समय अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के और शिवपाल सिंह यादव के, आदित्य यादव के काफी करीबी बताए जाते थे, और खनन पट्टों के भी कई सारे मुकदमे जो थे वो गायत्री प्रजापति के ऊपर चल रहे थे। तो ऐसे में इस मुकदमे को लेकर जिस तरह से उनके ऊपर अब जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ये सपा के लिए भी थोड़ी समस्या जरूर पैदा करेगा आने वाले चुनाव में। तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर सपा पे कुछ पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में सपा अपनी जी जान से कोशिश कर रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी मंत्री या फिर नेता होते हैं उनका बैकग्राउंड को लेकर भी काफी विवाद रहता है, और सपा से ये नेता है, तो क्या कुछ असर पड़ सकता है?
समय से जब जब सपा से इस सवाल को पूछा गया है या गायत्री प्रजापति के मामले को लेकर जवाब तलब किया गया है, तब तब समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है कि जो भी कानून का फैसला होगा हम उस फैसले के साथ रहेंगे। और अब जो कानून का फैसला आया है, जाहिर सी बात है उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अडिग रहेगी और वो यही कहेगी कि कोर्ट का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है और उस फैसले पर कहीं ना कहीं सब लोग अपना जो सामंजस्य है वो बैठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस पर राजनीति होना भी बिल्कुल लाजमी है और बताया यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर राजनीति भी होएगी, क्योंकि चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला आ जाना और एक लंबे समय से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी, तो ये कहीं ना कहीं सपा के लिए समस्या जरूर पैदा करेगा। और जहां से विधायक की जीत कर आए थे गायत्री प्रजापति, जिस विभाग की वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, क्या और भी कुछ ऐसे जो गंभीर मामले हैं जिन पर जो सुनवाई चल रही है, जो मुकदमे उनके पर दर्ज हैं अभी, उनका भी जो फैसला वो आना बाकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के। इस खबर में हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो बड़ा फैसला आ गया है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है।